जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे जो बायोलॉजी का कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोग जो पुष्प के सभी भाग थे, टाइप्स ऑफ फ्लावर, इसके बारे में पढ़ लिए थे। तो आज की इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे पुंकेसर एंथर, पुंकेसर स्टेमेन एंड लघु बीजाणुधान, मेगा स्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन परागकण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइज यहाँ पर अब हम लोग जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वह है स्टेमेन। पुंकेसर क्या होता है तो हम लोग पुंकेसर के बारे में जानेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर पुंकेसर के बारे में लिख दिया है। तो गाइज जो आप लोग जानते हैं आवृत बीजी पादपों में जो नर जननांग का भाग होता है वह होता है पुमंग। नर जननांग का भाग होता है पुमंग, और जो पुमंग होता है वह पुमंग का निर्माण पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। जो पुमंग होते हैं वे ढेर सारे पुंकेसर से मिलकर बने होते हैं। और गाइज एक पुंकेसर की संरचना ये है, एक पुंकेसर की संरचना ये है, एक पुंकेसर की संरचना में एंथर होता है, पराकोष होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, योजी ऊतक होते हैं, फिलामेंट पराग तंतु होता है। तो गाइज इन तीनों का स्ट्रक्चर एंथर, कनेक्टिव टिश्यू और फिलामेंट को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। इसके पश्चात गाइज प्रत्येक पुंकेसर पराग कोष, एंथर, योजी, कनेक्टिव टिश्यू तथा तंतु फिलामेंट से मिलकर बना होता है। एक पुंकेसर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें होते हैं एंथर, पराग कोष, फिलामेंट, पराग तंतु, इसके पश्चात कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ये यहाँ पर होते हैं तथा ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये पराग कोष में उपस्थित पराग कोशक, जिसे एंथरलोब्स बोलते हैं, उस पराग कोशक को ये पोषण प्रदान करते हैं। इनमें संवहन पुल पाया जाता है जिसके द्वारा जो होते हैं ये एंथरलोब्स पराग कोशक को ये पोषण प्रदान करते हैं। कौन पोषण प्रदान करता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है, जो परागकण की दोनों पालियाँ होती हैं पराग कोष की, परागकण की नहीं, पराग कोष की जो दोनों पालियाँ होती हैं उन्हीं के बीच में स्थित होता है। इसमें संवहन पुल पाया जाता है जिसके द्वारा पराग कोशक को पोषण प्रदान होता है। नेक्स्ट है गाइज पराग कोष में सामान्यतः दो पालियाँ पाई जाती है जिसे पराग कोशक कहते हैं। पराग कोष में सामान्यतः दो पालियाँ पाई जाती हैं गाइज, ये हम लोगों का पराग कोष और इसमें सामान्यतः दो पालियाँ हैं, एक ये है एक ये है, एक पाली ये है एक पाली ये है, ये है लेफ्ट में ये है राइट में। तो गाइज यहाँ पर दो पालियाँ हैं, तो इन दोनों पालियों को इनको अगर हम लोग मिला के बोलेंगे तो इसे हम लोग एंथर बोलेंगे, पराग कोष बोलेंगे। अब इन्हीं पराग कोष को जैसे इसे देखें और इसे देखें तो ये दोनों जो हो जाएंगे इन्हें हम लोग एंथर लोब्स बोलेंगे, पराग कोशक बोलेंगे। गाइज अगर इसको हम लोग समूह में लेते हैं, ग्रुप में लेते हैं तो इसे पराग कोष बोलते हैं। अगर इसके दोनों तरफ के पालियों को लेते हैं तो इसे हम लोग पराग कोशक कहते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं पराग कोशक के समूह को पुंकेसर, पराग कोशक के समूह को पराग कोष कहते हैं, पराग कोषों के समूह को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसरों के समूह को हम लोग पराग कोष के समूह को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसरों के समूह को हम लोग पुमंग कहते हैं। तो गाइज इतने इसमें इस प्रकार के अंतर होते हैं। नेक्स्ट है पराग कोशक आपस में पुतंतु के साथ योजी ऊतक के द्वारा जुड़ा रहता है। ये जो पराग कोशक है एंथरलोब्स है, ये आपस में यहाँ पर देखिए ये है योजी ऊतक, इसको मैंने इस प्रकार से डॉट लाइन से दिखा दिया है। तो ये जो पराग कोशक है ये योजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में जुड़े हैं। अब ये कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम क्या है, इन्हें पोषण प्रदान करता है। किससे पोषण प्रदान करता है, इसमें संवहन पुल पाए जाते हैं जिसके द्वारा इसे पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट है गाइज प्रत्येक पराग कोष में दो कोष्ठक पाए जाते हैं जिसे लघु बीजाणुधान कहते हैं। प्रत्येक पराग कोष में दो कोष्ठक पाए जाते हैं जिसे लघु बीजाणुधान कहते हैं। गाइज यह हम लोगों को दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए ये हम लोग पराग कोष का आंतरिक कार्ड, अनुप्रस्थ कार्ड बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को दिखाई देगा। गाइज जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का ये है पराग कोष, एक पराग कोष ही है, हमने इसको यहीं से कट कर दिया है, यहीं से इसको कट कर दिए है। अब कट करने के पश्चात इसकी संरचना कुछ ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पर
यहीं पर ऐसे दो पालियां पाई जाएंगे जिसे हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम इसी को बोलेंगे लघु बीजाणुधान, लघु बीजाणुधान। तो गाइस यहाँ पे है प्रत्येक पराकोष में दो कोष्ठक पाए जाते हैं जिसे लघु बीजाणुधान कहते हैं। यहीं पर है गाइस ये दो पराकोष, दो कोष्ठक जिसे हम लोग लघु बीजाणुधान कहते हैं। और गाइस ये हमें दिखेंगे कैसे, जब ये परागकोष है, ये पूरा परागकोष है, जब हम लोग बीच में से इसको यहीं से काट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, तो इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देगी। यहाँ पर दो कोष्ठक दिखेंगे जिसे हम लोग मेगास्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधान या परागपुटी कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम या पॉलन सैक, परागपुटी कहेंगे। नेक्स्ट है गाइस डाइथिकस पराकोष। अब गाइस जो परागकोष होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डाइथिकस, एक होता है मोनोथिकस। जो डाइथिकस होता है ये सरसों मटर इन सब में पाया जाता है, और जो मोनोथिकस होता है, मोनोथिकस मतलब एक, मोनो मतलब एक, डाइथिकस मतलब दो, डाई मतलब दो, मोनो मतलब एक। अब गाइस मोनो मतलब जिसमें केवल एक परागकोष होगा, परागकोष एक होता है, नहीं उसमें परागकोषक होगा, किसी प्रकार की भी कोई संरचना नहीं होगी। तो गाइस यह है मोनोथिकस और यह डाइथिकस। डाइथिकस में गाइस दो, डाइथिकस में दो परागकोषक होंगे, एक परागकोष में दो परागकोषक होंगे तो उसे हम लोग डाइथिकस बोलेंगे। एक परागकोष में अगर एक परागकोषक होगा, केवल एक एंथरलोप्स होगा, तो इसे हम लोग मोनोथिकस बोलते हैं, इसे डाइथिकस बोलते हैं। गाइस जो मोनोथिकस का एग्जाम्पल है वह है गुड़हल। मोनोथिकस जो होता है वह गुड़हल, हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस, इसका वैज्ञानिक नाम है हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस। तो गाय जो मोनोथिकस होता है यह गुड़हल में पाया जाता है, जो डाइथिकस होता है यह सरसों व मटर में पाया जाता है। तो गाइस हम लोग जान गए पुंकेसर, पुंकेसर जो होता है इसकी संरचना तीन प्रकार से होती है, या तीन प्रकार की संरचनाओं से जो मिलकर बनता है उसे पुंकेसर कहते हैं। पहला हो जाएगा एंथर, दूसरा हो जाएगा फिलामेंट, तीसरा हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। पराग कोष, पराग तंतु, इसके पश्चात योजी उतर, इन तो ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पराग कोष का निर्माण करते हैं, और पराग कोष मिलकर पुंकेसरों का निर्माण करते हैं, स्टेमेन। और अ ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड गाइनोसी, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम हो जाएगा। तो गाइस यह हो गया ढेर सारे पुंकेसर जो होते हैं ये मिलकर नर जननांग भाग जायांग का निर्माण करते हैं। तो गाइस हम लोग इसके बारे में जान लिए। अब गाइस जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वह है लघु बीजाणुधान। अब हम लोग लघु बीजाणुधान के बारे में जानेंगे। तो गाइस लघु बीजाणुधानी क्या होता है, ये कहाँ पर स्थित होता है? तो लघु बीजाणुधानी वह धानी है जिसमें परागकण का निर्माण होता है, उसे हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। यह प्रत्येक परागकोष के दोनों सतहों पर होता है। जो लघु बीजाणुधानी होता है ये प्रत्येक परागकोष के दोनों सतहों पर होता है। और गाइस या ऐसे हम लोगों को नहीं दिख सकता है कि लघु बीजाणुधानी कहाँ होता है। जब हम लोग परागकोष को उसका अनुप्रस्थ काट लेते हैं, मतलब ये जैसे परागकोष हो गया, इसको ऐसे यहाँ से काट देते हैं, अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तब हम लोगों को दिखाई देता है। गाइस आइए यहाँ पर हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये परागकोष है गाइस, जिसका हम लोग अनुप्रस्थ काट ले रहे हैं। गाइस जिस प्रकार से होता है ये डाइथिकस का है, मोनोथिकस का नहीं। तो गाइस ये है जैसे परागकोष, अगर इसकी संरचना को देखे तो यहां पर ऐसे भरा रहेगा, तो मैंने इसका अनुप्रस्थ काट लिया है। तो गाइस ये देखिए ये है लघु बीजाणुधानी, इसके अंदर ये जो यहाँ पर इसके अंदर यह भाग है यही है, इसे हम लोग पराग, ये तो परागकोषक हो गया, ये दोनों एंथरलोप्स, और इसके पश्चात यहीं पर होता है कनेक्टिव टिश्यू, और ये हो गया फिलामेंट, पराग तंतु। और गाइस इसी में यहाँ पर होता है ये जो कोष्ठक होते हैं, एक जो होता है एंथरलोप, एक परागकोषक जो होता है, इसमें दो, एक परागकोषक में एक परागकोषक में दो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, दो
एक परागकोशक ये है, एक परागकोशक में दो कोष्ठक पाए जाते हैं। अब उन कोष्ठकों को हम लोग क्या कहते हैं, लघु विचारधानी या परागपुटी, मेगास्पोरेंजियम या पालेनसेक कह सकते हैं। तो गाइस जो यहाँ पर एक है इसे हम लोग बोलेंगे एंथरलोप, ये जो परागकोशक है एंथरलोप, ये जो परागकोशक है एक परागकोशक में दो, एक परागकोशक में अगर देखें तो इस प्रकार से दो कोष्ठक पाए जाते हैं, दो लघु विचारधारी पाई जाती है। और गाइज एक परागकोश में कितने परागकोशक, एक परागकोश में दो परागकोशक। गाइज एक परागकोश में दो परागकोशक, एक एंथर में दो एंथर लोब हो जाएंगे। और यहाँ पर कितने परागकोशक की संख्या है, दो परागकोशक की संख्या है। और गाइज दो परागकोशक हैं तो दो परागकोशक में एक परागकोशक में जो होता है कोष्ठकों की संख्या या लघु बीजाणुधानियों की संख्या दो होता है, एक परागकोशक में लघु बीजाणुधानियों की संख्या दो, तो दो परागकोशक में लघु बीजाणुधानियों की संख्या चार, एक परागकोशक में लघु बीजाणुधानियों की संख्या दो, और कितने परागकोशक है, कितने एंथरलोब हैं, दो हैं, तो दो का गुणा जब दो में कर देंगे तो हो जाएगा चार। तो गाइस यहां पर आ जाएगा फोर मेगास्पोरेंजियम। एक परागकोश में दो परागकोशक होते हैं, दो परागकोशक में चार हो जाएंगे मेगास्पोरेंजियम, एक परागकोश में दो परागकोशक, एक परागकोशक में दो लघु बीजाणुधान या दो मेगास्पोरेंजियम, और जब दो परागकोशक है तो दो परागकोशक में चार मेगास्पोरेंजियम हो जाएंगे। यह हम लोग जान गए। तो गाइज अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, अब मान लीजिए यह तो हम लोग जान गए यहाँ पर होता है लघु बीजाणुधान कहाँ पर होता है, यह प्रत्येक परागकोश के दोनों सतहों पर होता है, और इसे हम लोग कोष्ठक भी कह सकते हैं, कोष्ठक भी कह सकते हैं। और गाइज एक जो होता है परागकोश में चार पर, एक परागकोश में दो परागकोशक, दो परागकोशक में चार परागधानियाँ पाई जाती हैं। तो गाइज हम लोग परागधानी के बारे में जान गए। इसके पश्चात जो गाइज परागधानी होती है यह दो प्रकार से होती है, एक होता है परागधानी भित्त और दूसरा होता है बीजाणुजनन ऊतक। जो परागधानी भित्त होता है यह चार प्रकार का होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, इसके पश्चात टेपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। गाइज जो परागधानी भित्ति होती है यह चार प्रकार की होती है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे, उसके क्या कार्य हैं तथा वह क्या कार्य करता है, यहाँ मेगास्पोरेंजियम में उसका क्या कार्य है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइज पहला इसमें हम लोगों का एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस होता है यह बाहरी भाग होता है, इसका मेन काम, गाइज जो भी आप लोगों को बाहरी भाग मिले हमेशा जान जाइए उसका कार्य केवल रहता है प्रोटेक्ट, मतलब वह केवल सुरक्षा प्रदान करता है। तो गाइज यहाँ पर पहला है परागधानी भित्त, इसके चार भाग हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इसके पश्चात टेपिटम। तो गाइज जो यहाँ पे बाह्य त्वचा है इसका मेन कार्य क्या है, तो यह सुरक्षा प्रदान करता है, यह सेफ्टी देता है, प्रोटेक्टिविटी देता है। दूसरा यह प्रायः हरे रंग का होता है। अब गाइज यहाँ पर हम लोगों का यह एपिडर्मिस, अब यह परागकोश के देख लीजिए, अगर ये लघु बीजाणुधानी है तो यहीं पर होता है, ये लघु बीजाणुधानी है तो यहीं पर। गाइज ये उसका अनुप्रस्थ काट है, मतलब उसका आंतरिक भाग का काट है या पूर्णरूपेण भाग है। तो गाइज इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे एपिडर्मिस, या बाहरी भाग होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किसको सुरक्षा प्रदान करता है, मेगास्पोरेंजियम को, ये हो गया इसका कार्य। और गाइज यह प्रायः हरे रंग का होता है, यह इसके अंदर होता है फिर भी हरे रंग या भूरे रंग का होता है। और गाइज जैसे ही परागकण का निर्माण होता है तो इसका रंग जो होता है वह चेंज हो जाता है, रंग परिवर्तन हो जाता है। तो गाइज यह हो गया एपिडर्मिस, मेन काम है इसका सुरक्षा प्रदान करना, सबसे मुख्यतः काम है इसका सुरक्षा प्रदान करना। और गाइज जब इसमें दूसरा है एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम। गाइज यह
क्या कार्य करता है गाय, जो मेगास्पोरम जीएम में होता है, पाला इपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये जो तीनों परतें होती हैं, ये तीनों परतें सुरक्षा प्रदान करती है। एंडोथीसियम, इपिडर्मिस, मिडिल लेयर, ये तीनों सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब गाय जहाँ पे हम लोग दूसरा पढ़ेंगे अंतस्थीसियम, यह भी सुरक्षा प्रदान करता है। जो अंतस्थीसियम है यह भी सुरक्षा प्रदान करता है। और गाय दूसरा, यह एक अस्तरी व मोटी परत होती है। गाय यहाँ पर देखिए, जो हम लोगों का एंडोथीसियम है यह केवल एक ही लेयर में है, और आप लोग देखेंगे इसमें से सबसे मोटा यही है, एंडोथीसियम में सबसे मोटा है। यह केवल एक अस्तरी होते हैं, एक अस्तरी का मतलब गाइस केवल एक ही लेयर में होता है, और यह मोटी परत होती है, एक अस्तरी व मोटी परत होती है। तो गाइस आप लोग देख गए, यह एक अस्तरी व सबसे मोटी परत होती है। इसमें तीसरा क्या है, इसके आंतरिक भित्ति सेलुलोज व कैरोटीनॉइड और यूबीस बॉडी की बनी होती है। जो गाइस या इंडोथीसियम है, इंडोथीसियम इसके आंतरिक भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यूबीस बॉडी की बनी होती है, कैरोटीनॉइड की बनी होती है, पालन कीट की बनी होती है, इन सब की बनी होती है। नेक्स्ट है गाइस, पराग कोष के स्फुटन में मदद करता है। इसमें आर्द्रता ग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। गाइस यह जो एंडोथीसियम है इसमें आर्द्रता ग्राही मतलब नमी होगा, ग्राही उसको अवशोषित करने वाला। तो गाइस यह पराग कोष में जो नमी होता है उसको अवशोषित कर लेती है। उसको अवशोषित करने के पश्चात वहाँ पर जल की मात्रा कम हो जाती है। जब प्रकाश पड़ता है तो वह धीरे धीरे सूख जाती है। सूखने के पश्चात जैसे मान लीजिए यह है पराग कोष, गाइस मान लीजिए यह है पराग कोष, अब इसमें जो है एंडोथीसियम इसके आंतरिक भाग में होगा, एंडोथीसियम अब एंडोथीसियम क्या काम करेगा, इसमें आर्द्रता ग्राही कोशिकाएं पाई जाएगी। तो इसमें जो आर्द्रता मतलब नमी, ग्राही मतलब अवशोषित करने वाला, तो यह नमी को अवशोषित कर लेगा। और जब यहाँ पे सन रेज पड़ेंगी, सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो गाइस यह जो है यह धीरे धीरे मतलब ऐसे यहाँ बीज में से धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, फटने लगेगा। तो यहीं से गाइस जैसे मान लीजिए जब यह फटेगा तो इस प्रकार से फटेगा, तो यहाँ से जो है यह गाइस कब नमी को अवशोषित करेगा, जब पालेन ग्रेन टोटली पूर्ण रूपेण मैच्योर हो जाएगा, जब परागकण मैच्योर हो जाएगा तब यह आर्द्रता ग्राही कोशिका इसमें मुक्त होंगे, सक्रिय होंगे तथा उसमें नमी को अवशोषित कर लेंगे। नमी को अवशोषित करने के पश्चात जब सनरेज यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगे तो यह यहाँ से सूखकर फटने लगेगा। सूखकर फटने के पश्चात यहीं से धीरे धीरे यहीं से ऐसे ऐसे पालन ट्यूब जो होता है पालन ग्रेन का निर्माण मतलब पालन ग्रेन बाहर निकलने लगते हैं, पालन ग्रेन का स्फुटन हो जाता है। तो गाय जिस प्रकार से हम लोग जान गए, इसमें आर्द्रता ग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आर्द्रता ग्राही कोशिकाएं क्या करती हैं, जब पालन ग्रेन पूर्णतः मैच्योर हो जाता है तो उसको नमी को अवशोषित कर लेती हैं, तथा यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो यहीं से यह फटकर परागकणों के स्फुटन में मदद करती हैं, तो गाइज हम लोग जान गए इपिडर्मिस, एंडोथीसियम। अब नेक्स्ट परत है जो है वह है मध्य परत, गाइज मिडिल लेयर। गाइज अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये है मिडिल लेयर, यह एक से लेकर तीन परतें होती हैं, एक से लेकर तीन परतें होती हैं। और गाइज इसका मेन कार्य होता है ये नष्ट होकर, ये जो MMC है, मेगास्पोर मदर सेल, लघु मातृ कोशिका, इसको यह क्या प्रदान करती है, न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करती है। गाइज इसको यह न्यूट्रिशन प्रदान करती है। तो गाइज यहाँ पर है मध्य परत जो होती है या एक से तीन तक होती है। गाइज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक से लेकर तीन, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो गाइज यहाँ पर एक से लेकर तीन तक होती है मध्य परत। दूसरा है यह नष्ट होकर बीजाणु जनन ऊतक को पोषण प्रदान करती हैं। तो गाइज यह है नष्ट होकर बीजाणु जनन को ऊतक को जो है MMC मेगास्पोर मदर सेल्स को ये न्यूट्रिशन देती हैं। तो गाइज ये होता है मिडिल लेयर मध्य परत का काम।
अब गाइस नेक्स्ट है वो है टेपिटम। गाइस टेपिटम यहाँ पर होता है। टेपिटम का आकार क्या होता है? जो टेपिटम में कोशिकाएं पाई जाती है वह लंबी इस प्रकार से होंगी, लंबी व एक अस्तरी व बहुकेंद्री, लंबी व एक अस्तरी व बहुकेंद्री होंगी। लंबी ऐसे ऐसे इसमें इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लंबी एक अस्तरी व बहुकेंद्री होती हैं। इसके पश्चात गाइस इनका कार्य क्या होता है? ये जब नष्ट होती हैं तो ये भी MMC मेगास्पोर मदर सेल्स को पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, और गाइस ये परागकणों के विकास में मदद करती हैं। और जो ये टेपिटम भाग होता है ये परागकणों के विकास में निर्माण कर परागकणों के विकास में भूमिका निभाती हैं, उसे पोषण प्रदान करती हैं तथा इसके साथ साथ उसके बाह्य आवरण का निर्माण करती है। गाय जो उसका बाह्य आवरण होता है जिसे हम लोग बाह्य चोल एग्जाइन, गाय जो परागकण होता है उसका बाह्य आवरण होता है एग्जाइन, उसका नाम होता है एग्जाइन। गाइस यह जो एग्जाइन होता है यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। जो परागकण का बाह्य आवरण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा, नहीं बाह्य बाह्य त्वचा या एग्जाइन, बाय चोल बोलते हैं, बाय चोल या एग्जाइन। तो गाइस यह जो एग्जाइन होता है यह स्पोरोपोलेनिन 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 का बना होता है। गाइस यह स्पोरोपोलेनिन ऐसा आवरण बना देता है परागकणों के बाह्य भाग में जो ताप वर्षा कोहरा का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ताप वर्षा कोहरा जल जितने भी बाह्य कारक होते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गाइस इसीलिए ही तो परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जाता है ताकि परागण की क्रिया दूसरे पौधों पर कराई जाए और दूसरे पौधों पर कराई जाए। इसीलिए गाइस जो परागकण होते हैं इन्हें परागण की क्रिया के लिए लंबे समय तक रखा जाता है। तो गाइस जो टेपिटम होता है या परागकणों के बाह्य चोल को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाह्य चोल में कैसे इसका निर्माण करेगा? तो यहाँ पर जो लंबी व बहुकेंद्री व एकअस्तरी कोशिकाएं रहेंगे ये तो नष्ट होकर कुछ तो MMC को पोषण न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे और कुछ जो परागकण निर्माण होगा उसका बाय चोल जो होगा एग्जाइन उसका निर्माण करेंगे। तो गाइस हम लोग जान गए जो एपिडर्मिस होता है या केवल प्रोटेक्ट सुरक्षा प्रदान करता है, जो एंडोथीसियम होता है यह एक अस्तरी व मोटी परत होती है यह सुरक्षा प्रदान करती है तथा नष्ट होकर के MMC को पोषण प्रदान करती है। तीसरा है मिडल लेयर या एक से लेकर तीन तक होती हैं, एक से लेकर तीन तक होती हैं ये भी प्रायः जो होती है नष्ट होकर के MMC को पोषण प्रदान करती हैं। और गाइस इसमें चौथा है टेपिटम, जो टेपिटम होता है यह भी MMC को पोषण प्रदान करता है। वह जो पालन ग्रेन होते हैं इसके बायचोल एग्जाइन का निर्माण करता है। जो बायचोल एग्जाइन पालन ग्रेन का बनता है वह स्पोरोपोलेनिन का बनता है। स्पोरोपोलेनिन ज्ञात सभी कार्बनिक तत्वों में से सबसे जटिल तत्व है जिसका खंडन करने के लिए अभी तक किसी प्रकार का भी कोई पदार्थ नहीं बना है। तो गाइस हम लोग जान गए जो मेगास्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी का पहला भाग होता है परागधानी भित्ति, इसके चार भाग होते हैं बाह्य त्वचा अंतस्थीसियम मध्य त्वचा टेपिटम, हम लोग इसके बारे में जान गए। गाइस अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके पश्चात हम लोग इसके दूसरे भाग बीजाणु जनन ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोगों का इसमें दूसरा है वह है बीजाणु जनन ऊतक या लघु बीजाणु जनन मेगास्पोरेंजियम। तो गाइस अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो गाइस जो लघु बीजाणु जनन होता है ये पादपों के पराग कोष में पाए जाते हैं, ये स्तनधारियों में नहीं पाए जाते, अन्य प्रकार के जातियों में नहीं पाए जाते, ओनली पादप केवल ट्रीज केवल पादप में पाए जाएंगे। इसके पश्चात गाइस दूसरा है ये कोशिकाओं का समूह होती है, अर्थात हम लोग इसे ऊतक बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये कोशिकाओं का समूह होती है तो मतलब इसे हम लोग ऊतक बोल सकते हैं, बीजाणु जनन ऊतक बोल सकते हैं या लघु बीजाणु जनन बोल सकते हैं। तो गाइस तीसरा है इसकी कोशिकाएँ मातृ कोशिकाएँ कहलाती हैं, जो इसकी कोशिकाएँ होती हैं लघु बीजाणु जनन मेगास्पोरजेनेसिस की कोशिकाएँ जो होती है इसे हम लोग मातृ कोशिकाएं भी बोलते हैं, मतलब MMC मेगा स्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। गाइस इसके पश्चात इसमें समसूत्री और समसूत्री
पहले तो इसमें अर्धसूत्री समविभाजन होगा, इसके पश्चात लघु बीजाणु का निर्माण होगा। जैसे गाइस मान लीजिए प्रथम है, ये एक है, इसके पश्चात यह समसूत्री अर्धविभाजन किया। जैसे मान लीजिए इसकी पोलरिटी 2n है, यह समसूत्री अर्धविभाजन किया तो यहाँ पर एक यन यन का बना दिया। गाइस जो यह यन यन का बनाएगा एक ही, मतलब को इसमें इसका जैसे इसका भाग नहीं हो रहा है, इसमें इसका जो बाहरी भाग है उसका डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें ओनली सेंटर का डिवाइड हो रहा है, केवल केंद्रक का डिवाइड हो रहा है। यहीं से ही तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए है यह डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर दो भागों में बना, फिर इसके पश्चात अब इनकी पोलरिटी यन यन हो गई, अब इनकी पोलरिटी जो इनकी ध्रुवणता है वह यन यन हो गई। अब इसके पश्चात अब इनमें समसूत्री समविभाजन होगा, समसूत्री समविभाजन, तो इसके पश्चात यह दो भागों में बढ़ जाएंगे, यह दो भागों में समसूत्री समविभाजन के दौरान इसकी पोलरिटी एन, इसकी पोलरिटी एन, इसकी पोलरिटी एन, इसकी पोलरिटी एन हो जाएगी। तो गाइस इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन का निर्माण होता है, इसमें से चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये जो सभी लघु बीजाणु हैं सभी न्यूट्रिशन पाकर वृद्धि व विकास करेंगे, सभी न्यूट्रिशन पाकर वृद्धि व विकास करेंगे। तो गाइज आप लोग जान गए लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसमें पूरे भाग का डिवाइड नहीं होता बल्कि सेंटर डिवाइड होता है। फर्स्ट बार समसूत्री अर्धविभाजन होगा, दूसरी बार जो होगा वह समसूत्री समविभाजन होगा, जिसके पश्चात चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, और ये जो चार लघु बीजाणुओं हैं ये न्यूट्रिशन पाएंगे, पोषण पाकर के वृद्धि व विकास अपना करेंगे। तो गाइज हम लोग जान गए बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे परागकण के बारे में। तो गाइज अब है हम लोगों का परागकण के बारे में अध्ययन करना। तो गाइज परागकण, आइए पहले हम लोग इसकी संरचना बनाते हैं। तो गाइज जो परागकण होता है, मान लीजिए ऐसे इसका गोला टाइप बनता है, इसे हम लोग मान लीजिए जैसे या एग्जाइन है या इंटाइन है, इसके पश्चात एग्जाइन परत कुछ इसका ऐसे होता है, खुरदुरा होता है, हम लोग ऐसे बना देते हैं, जो इसका बाहरी परत है एग्जाइन या खुरदुरा होता है, इसे हम लोग ऐसे बना दिए। गाइस यह हो गया एग्जाइन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जाइन बाह्य चोल एग्जाइन, यह किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और गाइस यह कौन सा भाग है, यह है इंटाइन, यह है इंटाइन, यह किसका बना होता है, सेलुलोज व पेक्टिन की, सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना होता है। इसके पश्चात गाइस यहां पर होता है जेनरेटिव सेल और एक होता है जनन सेल, ये मान लीजिए इसके अंदर हो गया जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, और दूसरा होता है यहाँ पर जनन कोशिका, और यह हो गया कायिक कोशिका। तो गाइस अब यह जो है और यहाँ पर यह इसका क्या हो गया, कोशिका द्रव, और यह किसका कोशिका द्रव है, जेनेटिव सेल का, ना कि जनन कोशिका का, ना कि जनन कोशिका का। तो गाइस यह हो गया एक परागकण की संरचना। परागकण की संरचना में इसमें दो प्रकार के आवरण होते हैं, बाह्य आवरण एग्जाइन होता है जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, अंतः आवरण होता है, यही अंतः आवरण जो आगे चल करके पालन ट्यूब का निर्माण करता है, पराग नलिका का निर्माण करता है। यह जो अंतः आवरण होता है जिसे एग्जाइन बोलते हैं, यह सेलुलोज व पेक्टिन का बना होता है। इसके पश्चात इसमें दो कायिकोशिका, मतलब इसमें दो केंद्र पाए जाते हैं, एक होता है जेनेटिव सेल का, एक होता है जनन कोशिका का। गाय जिसमें जो होता है दोहरा निषेचन की प्रक्रिया अभी नहीं है, केवल इसमें एक ही मेल गैमिट है, एक ही मेल गैमिट है। इस प्रकार के मेल गैमिट मतलब
परागकण में इस प्रकार के संरचना में जो होते हैं 60% परागकण परागण की क्रिया कर लेते हैं। 60% जो परागकण होते हैं वो परागण की क्रिया कर लेते हैं 60%, मतलब या फिर वो पुष्प से या जो परागकोष होगा उससे झड़कर गिर जाते हैं या जो होते हैं वे। और गाइस जो परागकण होते हैं इनका टाइम जो होता है, इनका फर्टिलाइजेशन का जो टाइम होता है वो होता है 30 मिनट। गाइस अगर ये 30 मिनट के अंतर्गत, इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं अगर वहाँ पर तापमान जैसा हो, अगर तापमान कम हो, ठंडा प्रदेश हो, तो वहाँ पर ये 1 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। और अगर जहाँ पर तापमान अत्यधिक हो तो ये ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम 30 मिनट तक जीवित रह सकते हैं। तो गाइस इसके पश्चात जब यह केवल एक सेल स्टेज में, इसे हम लोग एक सेल स्टेज बोलेंगे, इसमें 60% जो परागकण होते हैं वो झड़ जाते हैं। आप गाइस दूसरा देख लीजिए, आइए हम लोग दूसरा भी इसका चित्र बना लेते हैं। ये आंतरिक परत हो गया इंटाइन हो गया, और ये हो गया एग्जाइन जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और आंतरिक परत जो होती है वह सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। और यहाँ पर गाइज हो गया, ये हो गया जेनेटिव सेल। और गाइज अब यहीं पर हम लोग जनन कोशिका को बनाते हैं। अब यह जनन कोशिका जो यहाँ पर थी, यहाँ पर अब यह यहाँ इंटाइन से जाकर इसके दीवारों से चिपक गई। अब इसके दीवारों से चिपक गई, चिपकने के पश्चात गाइज यहाँ पर म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन की वजह से यह कुछ समय पश्चात, सम टाइम लेटर, यह दो भागों में बढ़ जाएगा। यह दो मेल गैमेट का निर्माण कर देगा, एक मेल गैमेट, दो मेल गैमेट। गाइस पहले तो यह ऐसे रहेगा, इसके पश्चात यह इंटाइन से जाकर चिपक जाएगा। चिपकने के पश्चात यह दो भागों में विभाजित हो जाएगा। अब यह क्या होगा, टू मेल गैमेट का निर्माण कर दिया। अब गाइस इस स्थिति में जो परागकण होते हैं वे 40% परागकण होते हैं जो परागण की क्रिया करते हैं या झड़ते हैं, जो परागकोष से, एंथर से झड़ते हैं। गाइस जो फर्स्ट सेल स्टेज में परागकण झड़ते हैं वे 60% परागकण झड़ जाते हैं, और जो टू सेल स्टेज में परागकण झड़ते हैं वो 40% परागकण झड़ते हैं। गाइस ये याद कर लीजिए, जो कम है वो ज़्यादा, मतलब एक है तो 60% झड़ेगा, दो है तो 40% झड़ेगा। तो गाइज हम लोग जान गए, जो सेल, जो परागकण होता है फर्स्ट सेल स्टेज में 60%, सेकंड सेल स्टेज में 40%। फर्स्ट सेल स्टेज में 60%, सेकंड सेल स्टेज में 40%। पहली स्थिति में पहले अगर एक नरयुग्मक रहेगा तो 60% परागकण झड़ जाएंगे, और दूसरा नरयुग्मक बनेगा, टू मेल गैमेट आएंगे, तो 40% परागकण झड़ेंगे। और जो परागकण का बाहरी आवरण होता है, एक जाइन होता है या स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन वह आवरण होता है या ज्ञात सभी तत्वों में से या ऐसा पदार्थ है जिस पर हवा, वायु, जल, कोहरा, बाह्य कारकों का कोई असर ही नहीं होता। अभी तक नहीं ऐसा कोई पदार्थ खोजा गया जो स्पोरोपोलेनिन का खंडन कर सके। और गाइस जो दूसरा होता है, इसका परत इंटाइन या बहुत ही नरम व मुलायम होता है, यह सेलुलोज व पेक्टिन का बना होता है, और यही जो होता है आगे चल करके पालन ट्यूब का निर्माण करता है। और गाइस इसमें जेनेटिव सेल होता है और जनन कोशिका होती है। यह जनन कोशिका में म्यूटेशन की वजह से यह दो सेल स्टेज में बदल जाता है। फर्स्ट सेल स्टेज में जो परागकण झड़ते हैं वे 60% होते हैं, और सेकंड सेल स्टेज में जो परागकण झड़ते हैं वे 40% होते हैं। तो गाइस आज की हम इस वीडियो में पढ़ लिए, हमने क्या पढ़ा, लघु बीजाणुधानी पढ़ा, इसके पश्चात परागकण पढ़ा, और इन सबको हमने पढ़ा। तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।